दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और जिसमें कई राज्यों के नेता वर्चुअल तरीके से बैठक में मौजूद हैं। पटना बीजेपी कार्यालय से राज्य के करीब 15 नेता भी कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल जुड़े हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से बैठक की शुरुआत हुई है और पीएम मोदी के भाषण के साथ बैठक खत्म होगी। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष पीएम मोदी बता दें कि पटना से वर्चुअल तरीके से पार्टी के 15 नेता जुड़े हुए हैं। तो बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पीएम मोदी भी मौजूद हैं। हालांकि बता चले कि पीएम मोदी के भाषण के बाद ये बैठक खत्म होगी। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। तो बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पीएम भी मौजूद है। बता चले कि पटना से वर्चुअल तरीके से पार्टी के 15 नेता जुड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बताते चले कि समेत तमाम वैसे नेता जो बीजेपी के वरिष्ठ स्तर के नेता माने जाते हैं, उन तमाम लोगों की बैठक ये दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में ये बैठक हो रही है और देश भर के तमाम राज्यों में जो कहा जा सकता है कि इस बैठक को वर्चुअल तरीके से जो है बीजेपी के नेताओं को जोड़ने की कोशिश है। पटना और बिहार के जो कहा जाता है कि वरिष्ठ जो नेता है बीजेपी के, वो तमाम इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक आयोजित की गई, इसमें मात्र 15 लोगों के लिए जो है बैठने की जगह बनाई गई है, जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहा जा सकता है कि समापन भाषण होगा और जेपी नड्डा जो है वो संबोधन करेंगे, उद्घाटन भाषण होगा। इस पूरे इस बैठक में जो कहा जाता है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, बीजेपी के आगामी कार्यक्रम, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं कि बिहार से जो यहाँ पर जो जुड़ेंगे उन नेताओं का नाम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी बिहार झारखंड, वो हैं सुशील कुमार मोदी हैं, भिखुभाई दलसानिया, मंगल पांडे, संजीव चौरसिया, प्रेम कुमार, इधर आप शहनवाज हुसैन को देख सकते हैं, नंद किशोर यादव है, नवल किशोर यादव है और संजीव चौरसिया, यानी वैसे चेहरे 15 चेहरे हैं जो बिहार के राजनीति में जो कहा जाता है कि एक बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं और इनका फैसला होता है। और ये देखिए प्रस्ताव जो होगा इस बैठक में बीजेपी की तरफ से कि बिहार में भी आगामी समय में क्या कुछ कार्य करना है, किस तरह से बिहार में संगठन के प्रचार और विस्तार के लिए जो है कार्य करना है, उन तमाम योजनाओं पर चर्चा होगी। और 5 राज्यों में जिन बिहार के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी देगी, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। इस समय पटना से कैमरामैन सुनील के साथ वक्त। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में शामिल और क्या कुछ अहम चर्चाएं इस बैठक में? देखिए, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक की शुरुआत सुबह 10 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ ये बैठक की शुरुआत हुई है। और 3 बजे इस बैठक के समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि किस तरह से भविष्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, जो खास करके 5 राज्यों का चुनाव है, उसमें किस तरह से पार्टी को जीत दिलाया जाए, इसी मूल मंत्र के साथ 125 सदस्य जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो इस बैठक में फिजिकल रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही जितने भी राज्य के प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो सभी प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए, चाहे बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें या दूसरे राज्य की बात कर लें, सभी जगह से वर्चुअल तरीके से नेता जुड़े हुए हैं राज्य के। लेकिन केंद्रीय नेता 125 सदस्य इस बैठक में फिजिकली रूप से सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर ये बैठक शुरू हो गई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, अपने भाषण के साथ इस बैठक का शुरुआत किया है। और 3 बजे इस बैठक के समापन होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ। लंबे अंतराल के बाद कह सकते हैं, कोविड के दृष्टिकोण से जिस तरह से पिछले साल नहीं हुआ था बैठक, वर्चुअल तरीके से हुआ था, इस वक्त फिजिकल रूप से हो रहा है। लेकिन 50% इसमें भी तो वर्तमान समय में वर्चुअल तरीके से लोग, इस बैठक का मुद्दा है कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो उस चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता
अपने चुनाव प्रचार में रणनीति बनाए और अपने नेताओं को मूल मंत्र दे रहे हैं ताकि उन चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। बिल्कुल केशव, आगे अंदर से अगर हम बात करें, अंदर खाने से क्या कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही, क्या आखिर पार्टी को आगे कार्य करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति यही बनाई जा रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है और खासतौर पर जिस तरह से उपचुनाव में थोड़ा निराशा हाथ लगा भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या कारण रही उपचुनाव में पार्टी की हार की, तो उस पर भी आज बातचीत होगी। साथ ही बंगाल में जिस तरह से पार्टी को लगातार झटका मिल रहा है, जिस तरह से पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, तो उस पर खासकर के बंगाल से चर्चा हो रही है। और यूपी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में फिजिकल रूप से मौजूद है और खास करके यूपी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है, साथ ही 4 और राज्यों में चुनाव है, तो इन 4 और 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर इस पर ज्यादा थोड़ा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। चलिए बिल्कुल केशव, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और इस बैठक में पटना से वर्चुअल तरीके से पार्टी के 15 नेता जुड़े हुए हैं। हालांकि यह बैठक पीएम मोदी के भाषण के बाद यह बैठक खत्म होगी।